गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा समूह परिचर्चा के लाभ, यानी कि हम जब कोई कार्य करते हैं या किसी विधि का चयन करते हैं या किसी कार्य का चयन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक चीज में ये एक प्रकृति का नेचर है या प्रकृति का गॉड गिफ्टेड हम जिसको मानते हैं कि प्रत्येक चीज में उसमें गुण भी होते हैं, अर्थात हम कहें कि उस विधि से हमें लाभ भी प्राप्त होते हैं और दोष भी उसमें पाए जाते हैं, अर्थात लाभ के साथ साथ दोष अर्थात कमियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। अगर हम गुण को देखें तो वो हमारी विशेषता और लाभ में आ जाते हैं कि उस विधि से हमें क्या क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट के साथ साथ हमें कुछ लॉस भी होते हैं, अर्थात वो क्यों होते हैं, उसकी कमी के कारण। इस वीडियो में हम समूह परिचर्चा के लाभ के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से उस विधि से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कि समूह परिचर्चा को हम मानते हैं कि ये उच्च शिक्षण के लिए एक प्रभावी विधि होती है जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम इसके लाभ में देखें तो सर्वप्रथम इसका लाभ होता है कि उच्च स्तर पर कम समय का सही उपयोग, उच्च स्तर पर कम समय में अधिक उपयोगी, यानी कि इसमें क्या होता है इस विधि में कि समय भी कम लगता है और समय कम के साथ साथ हमें क्या होता है ये अधिक हम इसके लिए उपयोगी भी मान सकते हैं इसे, या हम मान सकते हैं इससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि समय तो कम लगता है इसमें, लेकिन इसमें समय के साथ साथ हमें ज्ञान ज्यादा प्राप्त होता है। कैसे कि उसी समय में हम एक व्यक्ति से, यानी कि जो हम समूह बनाते हैं उसमें हम विभिन्न जो हमारे विचार प्रकट करते हैं तो समय तो एक ही होता है, लेकिन विचार जो निकल कर हमें सामने आता है सबके उसी समय के अंदर, तो उससे क्या होता है हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो उसके लिए कहते हैं कि उच्च स्तर पर समय तो कम लगता है क्योंकि वो समय सबके लिए एक ही होता है कि कितने समय के लिए हमें वो समूह परिचर्चा करनी है, लेकिन उसी समय अंतराल के बीच में हमें ज्ञान अधिक मिलता है। तो ये इसकी प्रथम इसका लाभ होता है कि समय कम लगने के साथ साथ हमें ज्ञान अधिक प्राप्त होता है। सेकंड है इसका जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। जैसा कि इस विधि के नाम से ही संबोधित होता है, समूह जिसके अंदर समूह बनाए जाते हैं और समूह के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक छात्र उसमें अपने विचारों को प्रकट करते हैं, इसमें एक तरीके से सहयोग की भावना, सद्भावना और यह हम कहें कि एक सामूहिक भावना का विकास होता है। तो इससे क्या हुआ ये कि जनतांत्रिक मूल्यों का ये विकास करे जिसमें सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी समूह के यानी कि जो प्रत्येक समूह बनाते हैं प्रत्येक समूह का ये दायित्व होता है, उसके सदस्यों का ये दायित्व होता है कि जितने भी समूह में व्यक्तियों का जो समूह में व्यक्ति हैं वो सभी अपने समान तरीके से अपने विचारों को प्रकट करें, यानी कि यहाँ समानता का अधिकार होता है। तो ये कैसी भावना हुई, सामूहिक जनतांत्रिक भावना जिसके अंदर पूरे समूह के सदस्य उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे कि जनतांत्रिक मूल्यों का ये विकास करती है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। सब क्या करते हैं, सब नागरिकों का जो समूह भावना होती है उनकी, उसका सद्भावना, सहकारिता, इन सभी गुणों का इसमें विकास होता है, इन सभी जनतांत्रिक गुणों का इसमें विकास होता है इस विधि के द्वारा। फिर आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो है हमारा विद्या केंद्रित, यानी कि विद्या केंद्रित से है विद्या
जानते भी हैं, साथ में वो अपने जो विचार होते हैं वो बताते भी हैं, यानी कि उनके समक्ष अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं। ये जो विचार विमर्श करते हैं, इन विचार विमर्श के आधार पर हमारे ज्ञान की यानी कि विद्या का क्या होता है, एक तरीके से वो उस विषय से संबंधित होता है। विद्या केंद्रित यानी कि जिससे संबंधित हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसी से संबंधित हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करते हैं, इससे क्या हुआ, हम जो जिस विषय पर हमारा फोकस है, जो हमारा विषय है, उस विषय से संबंधित हम हमारे ज्ञान की प्राप्ति कर जाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि ऐसा विचार विमर्श होना चाहिए जो उस विषय से अर्थात विद्या केंद्रित हो। विद्या केंद्रित यानी कि जो अपना टॉपिक है उससे रिलेटेड हो। तो ये हमारा इसका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विद्या केंद्रित के बाद में क्रियाशीलता द्वारा अधिगम। क्रियाशीलता द्वारा अधिगम। क्रियाशीलता द्वारा हम ये मानते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं, ये एक चीज है कि आज की शिक्षा भी है यही चीज की क्रियाशीलता, जब तक कि जो अध्यापन हम शिक्षक करवाते हैं उसके अंदर जब तक शिक्षार्थी क्रियाशील नहीं रहते हैं तो वो कैसा होता है, वो जो कार्य करते हैं वो कार्य कैसा होता है, निरसता लाता है वो कार्य। तो अगर हमें कार्य को रुचिपूर्ण बनाना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे विकसित करना है, तो इसके लिए हमें कैसा कार्य करना चाहिए कि शिक्षार्थी को हमें ऐसा कार्य करवाना चाहिए शिक्षक को जिससे कि उसके अंदर छात्रों की सहभागिता रहे, यानी कि छात्र भी उसमें क्रियाशील रहे। तो ये जब हम सामूहिक परिचर्चा करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य क्रियाशील रहते हैं, यानी कि जो वो प्रश्नों के आंसर और जो वो विचार देते हैं उन विचारों को प्रकट करने के लिए विद्यार्थी को वहाँ क्रियाशील रहना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि सामने वाले ने क्या बोला है, अब उन्हें क्या बोलना है, यानी कि जो एक तर्क वितर्क चलते हैं, विचार विमर्श चलते हैं, ये डिबेट चलता है, इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं छात्र वो क्रियाशील रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विचारों को भी वहां प्रकट करना होता है। इसीलिए ये जो विधि है, ये विधि प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक छात्र को क्रियाशील बनाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि कैसा अधिगम चाहता है, ये क्रियाशीलता का, जिसके अंदर शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूह परिचर्चा की जो सफलता है वो विद्यार्थी की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, उनमें से कोई एक ग्रुप जीतता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो ये एक तरीके से उनके अंदर इस चीज की एक कहते ना होड़ लग जाती है उन्हें इस चीज के लिए कि उन्हें अपना जो अपने समूह को जिताना है, और समूह को जिताने के लिए वो क्या करते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, उस कार्य को करने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात वो क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए ये जो विधि है ये क्रियाशीलता के अधिगम पर महत्वपूर्ण जोर देती है कि शिक्षार्थी को कैसा रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए, तभी जो अधिगम करवाया जा रहा है उस अधिगम की जो अधिगम का जो प्राप्त करते हैं या कहते हैं कि जो भी शिक्षक हमें सिखाते हैं उसको सीखने के लिए जब तक शिक्षार्थी क्रियाशील नहीं रहेंगे तब तक शिक्षक का जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी अप्रभावी रहेगी। अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद का पॉइंट है क्रियाशीलता द्वारा अधिगम के बाद का कि उच्च मानसिक योग्यता का विकास। जो हमारी समूह परिचर्चा है उसके लिए कहते हैं कि ये उच्च मानसिक योग्यता का विकास है, क्योंकि इसमें छात्र जो उनकी सोचने की, मनन करने की, चिंतन करने की क्षमता होती है उस क्षमता का विकास होता चला जाता है, यानी कि यहाँ जो इस समूह परिचर्चा के द्वारा विद्यार्थी, छात्र या उस समूह के सदस्य को एक सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, वो अच्छे से सोचने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसे किस मार्गदर्शक पर चलना है, या हम कहें कि जो भीड़ होती रहती है उसके बाद में उसे क्या बोलना है, इसे सोचने पर वो क्या करते हैं, एक तरीके से
हैं। इससे क्या होता है, जो मानसिक स्तर होता है, जो सोचने की क्षमता होती है, उसका विकास होता है। इसलिए इसमें कहते हैं कि उच्च मानसिक योग्यता का विकास करते हैं किसके माध्यम से, हमारी समूह परिचर्चा के द्वारा। समूह परिचर्चा में जो बालक का उच्च स्तरीय जो मानसिक विकास होना संभव हो जाता है, मानसिक क्रियाएं, हमारे चिंतन, मनन, ये सभी क्रियाओं का इसमें क्या होता है, समस्या का उसको विश्लेषण करना, उसे संश्लेषण करना, ऐसी जो उनकी विधियां, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं का इसमें विकास होता चला जाता है। यानी कि उच्च आधार पर वो सीखने और सोचने की क्षमता का वो विकास करते हैं। फिर हमारा जो इसका बात का पॉइंट आता है वो आता है निर्णय करने की क्षमता का विकास। निर्णय करने की क्षमता का विकास। जब यहाँ हम सोचते विचारते हैं, सोचने विचारने के बाद में एंड में जब हम इस समूह परिचर्चा का हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसके द्वारा क्या करना आ जाता है, निर्णय करना आ जाता है। यानी कि जहाँ सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है, इसके साथ साथ बालक इसमें जो प्रकरण है उनके पक्ष और विपक्ष को अच्छे से सुनकर, और वो क्या करते हैं, जब उनके तर्क को सुनते हैं, इनके विचार विमर्श को सुनते हैं, जब आपस में जो तर्क वितर्क होते हैं उनको सुनकर, इन सब सूचनाओं का जब वो विश्लेषण करते हैं और उनका संश्लेषण करते हैं, तो इससे उन्हें निर्णय लेने की, एक तरीके से कहते हैं कि निर्णय लेना अच्छे से आ जाता है। इस निर्णय क्षमता का उसमें विकास होता चला जाता है कि वो किस तरीके से निर्णय ले सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये हमारी इस क्षमता का विकास भी हम समूह परिचर्चा के माध्यम से करते हैं। क्योंकि जब समूह परिचर्चा होती है तो वहाँ हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सुनते, एक व्यक्ति के विचार नहीं सुनते, वहाँ हम जितने भी समूह बनाए जाते हैं सभी के तर्क वितर्क और उनके विचार विमर्श को सुनकर ही हम निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। फिर आता है विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास। विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास। हमने इसमें देखा था कि जो विचार व्यक्त करते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर जनतंत्र मूल्यों का विकास होता है। अर्थात यहाँ पर सभी विद्यार्थी सभी समूह से सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। तो किस तरीके से वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इन चीजों का भी वो सीख जाते हैं। इस क्षमता का भी उन्हें विकास होता है कि किस तरीके से उन्हें अपने विचार रखने हैं, दूसरे के विचारों को सुनकर और फिर उसके ऊपर वो अपने तर्क किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इस क्षमता का विकास भी हमारा इसके माध्यम से होता है। लास्ट में हम देखते हैं, चाहे इसमें अध्यक्ष हो या इसमें श्रोतागण के लिए भी, हम देखते हैं कि अध्यक्ष को भी वहाँ पर सबके तर्कों को सुनकर और एक समरी के रूप में उस चीज को बताना होता है। तो वो किस तरीके से उन विचारों को प्रस्तुत करते हैं, वो भी विचार व्यक्त करने में आते हैं। और प्रत्येक समूह के सदस्यों के ऊपर तो डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि समूह परिचर्चा है, इसके अंदर हम जितने अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तभी हम अपने ग्रुप को एक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो इसमें हमारे जो प्रकरण होता है, छात्र अपने मूल विचारों को अपने शब्दों में किस तरह से व्यक्त करते हैं तथा उनको व्यक्त करने की जो क्षमता है उसका विकास भी इसके माध्यम से होता है। फिर आता है हमारा तर्क करने का अवसर। समूह परिचर्चा में जब द्वीप चलता है, वाद विवाद चलता है, इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप जब बोलता है तो दूसरे ग्रुप अपने तर्क को देने का जो अवसर को ढूंढता है, तो इसमें उन अवसरों का भी बच्चे ने किस तरह से वो अपने लिए मौका लेते हैं या वो अवसर किस तरीके से प्राप्त करते हैं बोलने का, तो इस क्षमता का भी वो विकास करते हैं कि कहाँ पर किस समूह को बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है,
ये भी हम तर्क कहते हैं कि एक तरीके से अपने तर्क देने का अवसर को भी वो ढूंढने की क्षमता का भी यहाँ से विकास होते हैं कि किस तरीके से वो अपने तर्क प्रस्तुत करें, किस टाइम करें, किस समय पर करें, तो यहाँ वो उस अवसर को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। साथ में हम देखते हैं कि सामूहिक जो वाद विवाद शिक्षण है, ये एक शिक्षण व्यू कैसा है, पूर्णतः शिक्षण विधि होती है। ये एक शिक्षण व्यू यानी कि रचना, शिक्षण व्यू स्वतंत्रता पर आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक सदस्यों को अपना किस समय जो शिक्षण विधि, जो शिक्षण व्यू, जो रचना बनाई जाती है उसमें कब कितना बोलना है, इसकी उन्हें स्वतंत्रता होती है। तो ये हमारे आज इस विधि के लाभ थे, समूह परिचर्चा के लाभ, कि सामूहिक परिचर्चा के कौन कौन से लाभ होते हैं। प्रथम बनाया बताया मैंने, उच्च स्तर पर कम समय में अधिक उपयोगी। सेकंड, जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। थर्ड था विद्या केंद्रित। फोर्थ था क्रियाशीलता द्वारा अधिगम। उच्च मानसिक योग्यता का विकास। निर्णय करने की क्षमता का विकास। विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास। तर्क करने का अवसर। और ये एक शिक्षण व्यू है जो एक स्वतंत्रता पर आधारित है। तो ये हमारे आज समूह परिचर्चा के लाभ थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समूह परिचर्चा के दोष अर्थात उसकी लिमिटेशन, उसकी कमी के बारे में भी बताऊंगी। धन्यवाद।